हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा, एकदम बेहतरीन तरीका से। एक सीट ये मान के चलना है कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, उस हिसाब से आपका तैयारी चल रहा होगा, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग झारखंड का करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड 2021 से 2023। मुझे नहीं लगता दोस्तों जो रेगुलर बेसिस पे इस सीरीज को देख रहा होगा उसको कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सफिशियंट है दोस्तों। देखिए, जहाँ पढ़ने की जरूरत है वहाँ तो हम बोल देते हैं कि अलग चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन झारखंड करंट अफेयर जो चीज़ दे रहे हैं उसको हमको नहीं लगता इससे बाहर कुछ आपको पढ़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से अंदर आना है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करवाया तो दिए दोस्तों अभी तक, अभी एग्जाम तो और भी करवाएंगे सीजीएल वाले एग्जाम खासकर, क्योंकि सीजीएल में कम से कम 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। और आप लोग टेस्ट सीरीज मार रहे हो कहीं जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर झारखंड का आ रहा है 1-2 सवाल उसे इसे मैच कर रहा है जो करवा है, जितना करवाएं अभी तक, ऐसा लोगों का कमेंट आ रहा है, ऐसा हम अपने खुद से नहीं बोल रहे हैं, लोगों का कहना है ऐसा है। ठीक है, तो कीजिए, बहुत अच्छा है सीरीज, बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। करंट अफेयर झारखंड का है, कोई दिक्कत नहीं है। 26वां नंबर होने वाला है, इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़ेंगे जुड़ जाइएगा JSSC वाला करके टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड 2021 से 2023 झारखंड का करंट अफेयर। चलिए, झारखंड में साक्षर अभियान कब चलाया जाएगा? झारखंड में साक्षरता अभियान जो चलाया जाएगा कब से कब, आपको डेट दे देगा। ठीक है, तो 2022 से लेकर 2027 ध्यान दीजिएगा, कब से कब, 2022 से लेकर 2023 साक्षरता अभियान झारखंड में चलाया जाएगा। ठीक है, साइबर अपराध रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया, बोल देगा 1930 लिख देगा 1930, ये क्या है मतलब, तो याद रखिएगा साइबर अपराध को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। ठीक है, अष्टम उड़ाव, जैसे खिलाड़ी खेल खिलाड़ी से दोस्तों आपको क्वेश्चन या तो करंट अफेयर में छप सकता है या फिर स्टैटिक झारखंड करंट अफेयर में, काफ़ी अच्छा सवाल बनता है, आना ही आना क्वेश्चन। एक खिलाड़ी का नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा खेल खेलता है, और इसमें सीजन में ज़्यादा चांस लगेगा तो मैच द कॉलम देगा, 4-5 खिलाड़ी दे देगा आपको चार, और उसको मैच द कॉलम, एक फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल हॉकी जो भी होगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हर शिफ्ट में 2 से 3 आपको खिलाड़ी का नाम रहे, जैसे कि अष्टम उड़ाव, ये सब क्वेश्चन को जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, वही लोग क्वेश्चन पढ़ता जो एग्जाम में आते हैं बार बार, जैसे दीपिका कुमारी इस टाइप का नहीं, तो उस टाइप का अष्टम उड़ाव बोलेगा। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना लाभान्वित छात्र, मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना किसको मिलेगा, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, 9वीं से लेकर 12वीं तक। ठीक है, सोमा मरांडी का संबंध किससे है दोस्तों, सोमा मरांडी का संबंध ये राजनीतिक से, किससे, राजनीतिक से। 2020 से 2021 तक TB मरीजों की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ा है, देखिए दोस्तों 2020 से लेकर 2021 तक ये सब क्वेश्चन दोस्तों आ गया तो बहुत सारे लड़के छोड़ देंगे, क्योंकि 2020 से 2021 के पूछ रहा है मैक्सिमम बच्चे लोग, क्या कर रहे हैं 2023 से करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है कि नहीं करंट अफेयर 21 का भी आएगा सीजीएल में और 20 का भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि 22-23 लोग सबसे अच्छा, बहुत अच्छा करना है, बाकी 22 फिर 21 भी करना है, हर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो लोग छोड़ ही देंगे। ठीक है, कि 2020 से 2021 तक TB मरीजों की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ाया, तो 14% बढ़ाया था। ठीक है, 14%। चेतन मरांडी का संबंध किससे, चेतन मरांडी बताइए, चेतन मरांडी ये फिल्म से रिलेटेड है। ठीक है, कितने प्रतिशत जंगल वन भूमि से बाहर हो चुका है, 48%, कितना परसेंट, 48% जंगल वन भूमि से बाहर हो चुका है, 48%। पूर्णिमा कुमारी ये भी अच्छा, देखिए एक और खिलाड़ी फुटबॉलर है ये, ठीक है, फुटबॉल पूर्णिमा कुमारी फुटबॉल। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय स्वास्थ्य बच्चे अभियान की शुरुआत कब, कहाँ से किया गया था, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान रांची से स्टार्ट किया गया था, कहाँ से, रांची से। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का अध्यक्ष, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का अध्यक्ष कौन है, सुदेश महतो। ग्रामीण सड़क योजना का नया नाम क्या कर दिया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, ग्रामीण सड़क योजना का नया नाम करके चेंज कर दिया गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम याद रखिएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि 4-5 ऑप्शन दे देगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा वहाँ पे, पता नहीं क्या था वहाँ पे, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस, क्या नाम बदल दिया, ग्रामीण सड़क योजना का नाम करके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कर दिया है। ठीक है, चलिए, BIT सिंदरी का विकास, BIT सिंदरी बताइए कहाँ पे, धनबाद में है, का विकास किस संस्थान के तर्ज पर किया जाएगा दोस्तों, ICT मुंबई, किसके द्वारा, देखिए दोस्तों IIT मुंबई नहीं है, ICT मुंबई। ठीक है, ऑपरेशन डबल बुल किसे संबंध है, डबल बुल आ जाएगा, लोग परस्त हो जाएंगे, अरे क्या है भाई ऑपरेशन बुल, डबल बुल क्या है भैया, तो ऑपरेशन डबल बुल मतलब है कि नक्सली विरोधी ये एक्ट है। ठीक है, मतलब नक्सली विरोधी, डबल बुल याद रखना है, नक्सली विरोधी, बस इतना दिमाग में रखना है, क्या है नहीं बाहर में जाए सब, बस आपका एग्जाम करेक्ट होना चाहिए, एग्जाम सही होना चाहिए, डबल बुल नक्सल विरोधी बस। कोलाहल के में कविता की आवाज़ का लेखक, देखिए कोलाहल में कविता की आवाज़ का लेखक कौन है, अच्युतानंद मिश्रा कोलाहल में कविता की आवाज़ का लेखक है।
रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ दोस्तों बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिएगा पीजीटी वाला एग्जाम में पक्का आ रहा है यहाँ यहाँ ये लो ठीक है। अभी एग्जाम में पीजीटी एग्जाम चल रहा है, अभी चलेगा मतलब कल से स्टार्ट हुआ था। रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय ये जमशेदपुर में ठीक है, कहाँ पे है जमशेदपुर में। सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड किसको दिया गया था तो कोल इंडिया को दिया गया था। फिरोज खान का समझ गया, और ये क्वेश्चन आ गया तो लोग फंस ही जाएंगे कि फिरोज खान किससे है भाई। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, फुटबॉल का जानते हैं, आर्चरी का जानते हैं, क्रिकेट का कुछ जानते हैं, हैंडबॉल इस सबको नहीं जानते। इसको स्टार मार्क कर लीजिए और अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा ठीक है। फिरोज खान क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए आया हुआ ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लिख दी नहीं, सारा न्यूज़ करंट अफेयर का पार्ट इसलिए खुले। फिरोज खान हैंडबॉल क्या है, फिरोज खान हैंडबॉल है याद रखिएगा ठीक है। फिरोज खान क्या है हैंडबॉल, इसको लिख लीजिएगा जहाँ आप लोग लिखते हैं नोट वगैरह कुछ। 17 फरवरी 2022 बुद्ध भगत जयंती 230वां, इस टाइप क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए शायद, देखिए चलो 230वां बनाया गया कोई बात नहीं। बबीता कुमारी तीरंदाजी ठीक है। वृंदा कोल ब्लॉक किस जिले में दोस्तों, चतरा में। वृंदा कोल ब्लॉक ये चतरा जिले में ठीक है। इंडिया क्रेविंग फॉर ए चेंज पुस्तक का लेखक कौन है बताइए। इंडिया क्रेविंग फॉर ए चेंज का पुस्तक गोवर्धन सिंह है, कौन है दोस्तों, गोवर्धन सिंह है। एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का नाम असीम तिर्की, ये कौन से हॉकी का है, असीम तिर्की हॉकी ठीक है। चार खिलाड़ी का बता दिए आज के क्लास में, चार हो गया, हर क्लास में एक दो तो रहता ही रहता है, जिसमें चार बता दिए, असीम तिर्की हॉकी। इसी तरह बोल रहे दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे देख लीजिएगा तो शायद दिक्कत नहीं होगा, अरे वो लास्ट में पीडीएफ पढ़ के चल जाइएगा ठीक है। जैसे फिरोज खान हैंडबॉल हो गया, बबीता कुमारी तीरंदाजी हो गया, असीम तिर्की हॉकी हो गया ठीक है। बिरसा मुंडा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपको। देखिए पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखते हैं, सिंपल आपको हिंट दे देते हैं। देखिए बिरसा मुंडा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तुरंत मुंबई मारना आपको, ऑप्शन चार बनाएंगे उसके लिए भाई लिखना पड़ता तो समय लग जाता काफ़ी ठीक है। जिसको मुंबई बोलते हैं, कहाँ पे बिरसा मुंडा का प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया दोस्तों, मुंबई में किया गया। ऑप्शन दे देगा मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, से कुछ लिख देगा तो याद रखिएगा मुंबई में किया गया। प्रोजेक्ट शिशु किसके लिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट शिशु जो है अनाथ बच्चों के लिए, क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है, अनाथ बच्चों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो ऑप्शन दे देगा अनाथ लाए ऐसे कुछ ले ताकि लगेगा ये प्रोजेक्ट शिशु किस अनाथ बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा उल्टा पूछ देगा तो फंस जाइएगा। अनाथ बच्चों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, तब प्रोजेक्ट अनाथ लाए, प्रोजेक्ट अनाथ, प्रोजेक्ट कुछ ऐसे लिख देगा, प्रोजेक्ट बच्चा और प्रोजेक्ट शिशु, तो फंस जाइएगा ठीक है। तो प्रोजेक्ट शिशु याद रखना आपको, अनाथ बच्चों के लिए किया गया। साइबर कंट्रोल की तैयारी किस राज्य के तर्ज पर किया जाएगा, तो हरियाणा तर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर कंट्रोल की तैयारी किस राज्य के तर्ज पर किया जाएगा, तो हरियाणा के तर्ज ठीक है। आज का सवाल 26 रहा टोटल ठीक है दोस्तों। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, जेएसएससी वाला टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15-20-25 करते जाइए धीरे धीरे, आराम आराम से करिएगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत लोग क्या करेंगे कि एग्जाम के टाइम एक बुक खरीदेंगे उसी से पढ़ जाएंगे ठीक है, और सोचेंगे बहुत कुछ, भूलने जाना है भाई, इसलिए अभी से देखते जाइए ना, फिर एग्जाम के टाइम रिविजन कर लीजिएगा। आपको मन हो कोई बुक लेने ले लीजिएगा, मैं मना कौन कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा ये सब काफ़ी सफिशियंट दे रहे हैं, बहुत चीज़ दे रहे हैं ठीक है। आपको 2023 का अभी तक कंप्लीट हो चुका है आपका, 2 जनवरी से लेके जुलाई तक आपको हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये सब जुलाई का, ये आपको मिक्स करवा रहे, लेकिन आप इतना जानिए जुलाई तक आपको हो चुका है। आप टेस्ट मार के देखिएगा, क्वेश्चन फंसेगा उसी में से ठीक है। चलिए, और दोस्तों कंप्यूटर और पीडीएफ जो नहीं लिए ले लीजिएगा दोस्तों, 1000 कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके साथ आपको 500 साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा ये वाली खास करके, और काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर का 1000 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो शायद 17-18 आराम से नंबर आपका आ जाएगा, बढ़िया से पढ़िएगा तो ठीक है। 8968765101 ये नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं ठीक है। 99 का है मात्र, कोई दिक्कत वाली बात है ना ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।